चलना है तो चलो, नहीं चलना तो रहने दो। हे गाइस, जय सियाराम, सत श्री अकाल, केम छो, मजा में? हम भी अच्छे हैं। आज सारा दिन सोए हैं। मैं सोई हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए वजह से मेरी आंखों में जलन कम है, तो इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो रिकॉर्डिंग अब शुरू होती है 7 बजे। जोत वगैरह दिखा के, मथा टेक के हम बाहर ही निकल रहे हैं। छुट्टी है लास्ट, अच्छे से इंजॉय करेंगे। फिर कल से इनके ऑफिस शुरू है, फिर ये दिखेंगे भी नहीं। मैंने चाबी नहीं लिया, बाहर जाती है, फिर जब फंसी होती है जल्दी घर आने की, यार मैं गिरते गिरते बची। थोथी है मैं, मेरी थोथी है, कांड ही कर दी है मैं, किसी भी देखो। के लोग तो वैसे भी घर बहुत अच्छा ढालते हैं। केरला में तो घर सबके, मतलब केरला में घर ही अच्छे होते हैं। अरे क्या, जिसकी जेब में पैसा उसका घर अच्छा। तो इतनी अच्छी जॉब छोड़ के जाना तो अच्छी बात थोड़ी है। उम्र ज्यादा होगी उनकी, नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा पूरा होगा, चल पड़ा। अच्छा, पैसा भी पूरा होता है लोगों के पास? वो ऑलरेडी रिच है यार, 3 मंजिला घर है उनको, उसको छोड़ के अपना खुद का अलग से बना रहे। अच्छा, तो एज्ड है? हाँ, तो फिर ठीक है ना, रिटायरमेंट देनी है 4-5 55। वो तो आपके कुछ है ना जो नहीं छोड़ना चाहते, वो अलग बात है, पर 55 साल तक आप छोड़ के जा रहे हो, घर से वेल्दी हो, तो क्या करोगे? वो कॉल नहीं लेते सारे, कितने लोग हैं वेल्दी हो उधर सारे? हाँ, कहीं नहीं जाते, उनकी सियाँ की करिए। उसके बाद 2 साल। हाँ, तो फिर घर डाल रहे, फिर क्या बता रहे, दिखा दे घर होगा उनका, ऐसे स्वैग। 3 BHK है, अच्छा, मतलब 1.3 करोड़ का बजट। उनके यहाँ तो बाहर भी खुली जगह बड़ी होती है। बड़ा तगड़ा है उसको, पता है जो ना प्लॉट ले रखा है, कब बता रहे हैं, 15-20 साल हो गए लिए हुए। हाँ। उस समय ले लिया था, तो वहाँ पे वो क्या चलता है, सेंट बोलते हैं। अच्छा, कितना था, 15 सेंट को इतना बता रहे ना, मतलब 3 कनाल जगह निकली वो, जब मैं कैलकुलेट करने लगा ना। अच्छा, तो 3 कनाल में उनका घर है वो। वैसे तो हाँ ना, लियो तो छाती ते मांगी दली हो बैठ के। 3 कनाल की कितनी कीमत कितनी हुई? तो मैं तानू क्या कि मैं थोड़ी क्या कि रोड ते जाके खरीदो, बंदा किते होर खरीदता, इन्वेस्टमेंट करता, तेरे को तो पैसे ही नहीं है, गांव में घर है वहां रहना नहीं है। तू आड़ी जेडी घर वाली जमीन ना, तुस्ता रह नहीं दो, सोशल मीडिया ते की गल करनी है, क्या बात करनी है, जगह है बतेरी है। हां, वो जाओ पीछे पुराने घर में, इतना 3 कमरों का 4 कमरों का घर बना हुआ, जाओ वहां पे, क्यों नहीं जा रहे हो? कितने चला गए, मुझे ऐसे करते हैं कि मतलब ऐसे हैं क्या है? खुल तो रही है गाड़ी, क्या हो गया? आप इतना चिल्लाते हो ना जी, इतना चिल्लाते हो, पता नहीं क्या हो गया। आधे से ज्यादा तो बच्चा ऐसे ही डर जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, एक मेरे को बात बताओ, ठीक है? एक पहले बोलते शहरों दी कुड़ियों घर आके नहीं रहती पिंडा च, मैं तो पापा से बात कर रही हूँ, मैं डांटूंगी पापा को, है? ओ लव यू, है? शहरों दी कुड़ियां ना पिंडा जाके नहीं रहती हैं, ठीक है? असि रहन लग पे होने, बंदा कहंदा तू वो पीछे गोड़ दे वेच जा। मैंने नहीं बोला इतना घर है वहां रहना नहीं है, घर तो रोड पे, पुराने घर की बात कर रही हूँ, घर की बात में है तो घर बड़ा बना हुआ। मैंने बोला एरिया बाहर का जगह, तो आप बोले इतनी जगह है, तो फिर मैं कहा वहाँ जाकर रहना, तो घर तो उसके पास में ही है भाई, आधा किलोमीटर तो पैदल चल के पहुँच जाता है बंदा। और जो उनकी बात करो, बस, और जिनकी बात कर रहे हो जी, बस भाई, बहुत मैनिपुलेटिव होती है औरतें, बच के रहना इनकी बातों से, अपनी बात ही सच बुलानी होती है, ठीक है? बंदे ये बात जिन्ना घर बनाया ना, उसने भी आउटस्कर्ट में बनाया, सुन लेंगे बात अंकल ने, भाई भी आपका आउटस्कर्ट ना भूत प्रेतों वाला है, ठीक है? तो आप ठंडे रहो, तुम लेगी बात वहाँ, आपका आप मानो बात किसका, आपका आउटस्कर्ट भूत प्रेतों वाला है। केरला में जाके रहना, मैं क्यों रहूँ केरला में? 6 बजे के बाद जो तुम्हें लगता है ना, अच्छा 6 बजे के बाद बाहर नहीं आता, गुप्त रहा पे सारे बूटे बटे उनके, तो घर में उन्होंने पेड़ लगा रखे उतने, भूत प्रेत, भूत प्रेत जरा तेरे घर आके रहते होंगे, कोई नहीं जरा हल्ला मचाते यार, सिर दी गर्म हुई, पापा डरे कहने की हो गया कुड़ी नु, इन होश ही नहीं आती, 3 दिन लगे बुखार उतरन।
मैप बनाने का 3.5 लाख रुपए घर का। ऐसा होता है अगर आपने मैप डिजाइन करवाया तो वो बताएगा कि इस घर को बनाने की कॉस्ट आपकी इतनी पड़ेगी, तो पहले बता देगा जितनी कॉस्ट होती है उसका कुछ परसेंट हम लेंगे, तो जैसे 1% या जो और फिर वो ऐसा भी है कि जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को जिसने मैप बनाया वो आके देखेगा घर कैसा बन रहा है, मिक्सिंग सही हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि उनका नाम खराब होता है, तो ऐसे नहीं कि भाई पैसे ले लिए तो हम साइड हो गए या कुछ हो गए, वो ओवरसाइड करते रहते हैं। अब इसको जगह दो वो उसको जगह दे, बस ये लड़ते रहो सब बैठ के। टब्बर तुसी घर भुख खांदे हो हैं, घर कह लो तो इन्हें खाना नहीं, इन्हें खाना वो नहीं खाना, इतने पुजदे सारी तुसी चलते फिरदे मेनू ताने दिंदे रहंदे हैगे ना, मेरी सास बंदी जरूरत नहीं है ठीक है, मम्मी मेनू कोई ताना नहीं दिंदी है, तो ही है जेडी मेरी अम्मा, तो ही तो मैं कह रही मेरी सास वर्गी कोई फीलिंग है नहीं, तो मतलब तुसी दिंदे रहोगे बैठ के फिर भी हम यहाँ क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ सारा सामान मिल जाता है, कोई रीजन नहीं है। सो यहाँ पे भी अब सरदार जी दिखने लग पड़े, पहले नहीं थे, पंजाबी यहाँ बहुत कम दिखते थे, अब बहुत ज्यादा दिखते हैं, स्पेशली अजमान में ना वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा दिखने लग पड़े, पहले नहीं था कोई इक्का तुक्का दिखता था, कोई नहीं दिखते थे, ये पैंडमिक में ना सब वापस चले गए, अभी अभी आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे, बहुत लोग आ रहे हैं। मंदिर का सामान लेना कुछ है? पैदल चल रहा हूँ। हाँ यहाँ है मंदिर का, कहाँ है यहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी फिर कहीं और, रहन दो थोड़ा पैदल चल जाएंगे, यार मंदिर यही है वो नहीं है ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट साइड पे है गिटार, वो ऑपोजिट साइड गिटार है उसकी, उधर ही साइड है हाँ, थोड़ा सा पैदल चलेंगे, पार्किंग नहीं मिलेगी, देख लो हाल नहीं हो, आप थोड़ा वॉक कर दे प्लीज प्लीज प्लीज, यार 5 मिनट के लिए लेके आयो प्लीज, फिर जाओ मैं खुद ही चली जाती, मेरे पास नेट है अब, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है जाओ जाओ, आप किसी काम के नहीं, जाओ जाओ जाओ, रास्ते पता है इधर वाली साइड है, चलो चलो मैं आपको लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी कि मैं सही हूँ और आप गलत हो, बीवी से पंगे। 300 मीटर नहीं ये बंदा चल सकता, क्या हो गया, इन शहन शंगा ना पाओ, नहीं था मैं ऐसे 17 स्टेप चलो चल पड़ूंगी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं तो चलने में ज्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि चलने से वेट लूज होता है, तभी तो आप सुखे से हो, आपको मोटापा आता ही नहीं, वो देखो सामने दुकान, सामने मैं कह ही रहा हूँ सामने, ये भगवान देखना, आपने रिकॉर्डिंग की है ना, सुनी है ना, ये देखे कैसे दल बदलते हैं, इन्होंने मुझे बेवकूफ समझा हुआ, इनको लगता है कि पता नहीं कि कितने समझदार है, हैं मैनिपुलेटिंग नहीं। अच्छा आपने रिकॉर्डिंग सुनी ना, सब लोगों ने सुनी ना, वे बंदा क्या बोल रहा था सुनी ना, देखा मेरे पास प्रूफ है, बकायदा प्रूफ है, ये मुझे बेवकूफ समझते हैं, इनको लगता है कि यही शाने हैं सारे, जॉब कर दिया तो तीर मारे आया बैठ के, अच्छा कितना को दूर 5 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट च बंदा पहुंच जाएगा, देखो रेस्ट करनी है, रेस्ट करनी, सारा दिन की कीता, केड़ी कमाई कीती, बहुत कमाई की, खुला हुआ है लाइटें जगी हुई है, हाँ संडे को रेस्टोरेंट बंद करके चक काटा करना, पर नहीं है कुछ हुआ होगा तो बंद होगा क्या पता, हाय ये गोलगप्पे बड़े पसंद है पर मैंने ढिड भरे आया, नको नक रजी हुई है मैं, नहीं तो मेरा तो मन सी गोलगप्पे खाने का, चलो देखियो हम कि चलने असी कितना को चले हैं जी, कसम खा के बोला कितना चले हो, 300 मीटर, ये भगवान ये बंदा 300 मीटर नहीं चलना जाता था, सबसे बड़ी गलती पार्किंग छोड़ना, और हाँ शारजा में पार्किंग छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी है, दोबारा नहीं मिलती, खुला है जी तक जी गोलगप्पे खान के मैंने चिड़ा चिड़ा के, नहीं यार मेरा पेट नको नक भरिया है, मेरा जी नहीं है मासा भी, बाहर जाके कुछ नहीं खाते यहाँ खाते जो खाते हैं जी, अच्छे है
लगी हुई, किनिया क्यारियां लाइया, केला कुला सब लग्या, मंदिर दिए भी आ गए। वाओ, यही था का? हाँ यही था, यही था। बोला धूप आया नहीं वापस, आ गया ना वो देखो। अच्छा जैसा जी आई वापस, मेरा सहारा ले लो, 300 मीटर चलना थक जाओगे। कंधे पे उठा लो, मैं आऊंगा ना ऑफिस से, मेरे पैर दबाना, उसी वीडियो बनाना, मालिश करना पूरी। हाँ कोई नहीं, मैं कर दूँगा आधा घंटा पूरा, फुल वीडियो पूरा आधा घंटा। मरना चाहूँ मैं, ठीक है मैं कल, मैं जिम नहीं जाऊंगी, आपके पैर ही दबा दूंगी। जिम से क्या, तुम डबल जिम हो जाएंगे ना? नहीं नहीं, इतने ज्यादा भी नहीं मेरे को रहना, एक दिन में नहीं पैर शरीर घटाना। ये क्या लिया तूने? ये क्या लिया? जय माता दी। तो मुझे पता, अगर तुमने इसको खिलौनों में डाला ना, फिर देखना मार पड़ेगी। ये जय माता की है और जय माता में ही रखते हैं। बोले मैंने दादी घर पे भी उसको जय माता में ही रखा था, ये था ना, याद है ना? हाँ? जय माता बेड लेके आया था। दूजी निकालो, सैंड निकालो बेटा, यहाँ सैंड ही मिलती है हर जगह, इट्स ओके। नहीं मैं थ्रो करता हूँ सैंड। थ्रो करना कर दो, थ्रो देखना ये क्या लेके आया। पता नहीं क्या सोच के लाया। वहाँ भी ना घर में भी कृष्ण जी का, जब हम वापस आने लगे तो जन्माष्टमी आने वाली थी ना, उसी दिन थी जब हम वापस आए रहे हैं। उससे एक दो दिन पहले हम मार्केट गए तो वहाँ कृष्ण जी के झूला वगैरह आसन बेच रहे होंगे। बोलता है मुझे यही लेके जाना है, यही लेके जाना है, पता नहीं क्या करना उसका, बट लेके वही जाना है। हमें लगा कि खिलौनों में यूज़ करेगा। फिर उसके बाद वहाँ जाके मंदिर में गया और बोलता, दादी कृष्ण इनको ना जय माता को इस पे बिठा देना, लड्डू गोपाल जी हैं तो हमारे घर में, तो उसको बोलता कि दादी इस जय माता को ना इसमें बिठा देना। सियाना है इस बात पे भाई, घर वाले भी सारे जय माता दी करते, ये भी जय माता करता है। कितनी सियानी वाइफ आपकी है, आपकी पार्किंग बचवा दी। अगर वहाँ से गाड़ी निकालते मजा आला, कहीं फंस पाते और फिर गोलगप्पे खाने थे आपने। अच्छा बच जाता है, नुकसान हो गया मेरा। यहाँ पार्किंग मिलती है आपको? कभी नहीं मिलती, कुछ भी हो जाता। तो मेरी किस्मत इसलिए मिली। हाँ वो मैं बोलती हूँ कि आज आप लकी थे, आपको मिल गई, मतलब खड़े खड़े पैर मिल गई, नहीं तो वेट कर रही थी, कोई डाल नहीं रहा है, कोई डाल नहीं रहा है। यहाँ सिर्फ 300 मीटर की बात थी, मैं किलोमीटर भी चली जाती हूँ। ध्यान से गाड़ी, ये ना किस्मत यही फूट जाए। अच्छा आपका जी है की गाना मोटरसाइकिल चढ़ा रहा है, वैट नहीं लाया सरकार ने, वैट लगाया, बाकी सारे टैक्स फ्री है, पर इतने बच्चा टैक्स है एक जेडे हर माँ प्यो नू लग्या है। No. इस पे तो तू बैठ के घूम सकता है। नहीं दिखाना, दिखाना मुझे ये क्या है, ये ड्राइवर है। इनिया गड़ियां तो रियल लाइफ चलानी है। जब तो मेरे को कोई बोलता है ना आपका मुंह साफ है, अगले दिन मेनू दाड़े निकल जाते हैं, मुंह भन लिया। मेरे ना तो बतेरी बारी इदा होया। और आप इसको मना भी नहीं करते जी, है मना करते तभी तो कम लेता है। कहाँ कम लेता है, सांस लेने की जगह नहीं है घर में, पूरा गैराज खोले आया बेटा। यार मजा तो दो आए जब रियल लाइफ में इतनी गाड़ियाँ खरीद के दिखाएगा तू मुझे। मैं इतनी मत लेना, मैं वैसे ही वैसे रियल लाइफ में दो गाड़ियाँ यूज की। खुद कितनी लिए है कार? इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। हां तो क्यों, मैं एक और लूंगा, एक और लूंगा, सपने लेते रहते हैं। 10 साल दूसरी लूंगा अभी बड़ी वाली। हां अच्छा, लाइफ लॉन्ग सेटल हूं। चुप कर, अगले 15 साल बस करो बातें आपकी। बातें क्या, एडिया लंबिया लंबिया छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ता, छोटे रहे मैं बोलता तेरे, मैं लपेट रही हूं इथे बैठ के। हमारे यहाँ नहीं इतना रश है ना, उधर इतना रश है, सांस लेने की जगह नहीं है। रश ना रश मतलब बिजनेस एक्टिविटी अच्छी है। हां लोग वहाँ बहुत रहते हैं, वहाँ छोटे 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 बहुत सारे ऑफिस है ना, यहाँ इतने ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही है। वो मुझे लगता है शारजा पहले पुराना दुबई था ना। शारजा पैसा भाई पुराना, पुश्तैनी पैसा शारजा के पास, शारजा बड़ा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है। फंस गया है यार,
आज नहीं लंघते जब तक गार्ड नहीं आएगा। गार्ड है तो उधर कोई पता नहीं, नहीं है कोई गाड़ी से निकला है भरावा लंघन दे। आप भी सोच रहे हो क्या कर गया मैं। एक्चुअली ये लबान है ना इसमें, तो इसमें मैंने ना बेसन डाला बीच में, बंद करके अच्छे शेक कर लिया तो बेसन अच्छे से घुल गया होगा। तो आज मैं पकौड़ियों वाली बूंदी कड़ी जिसको बोलते हैं वो बना रही हूँ। तो क्योंकि ना मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, और टाइम हो गया था 9:30 बजे का, हस्बैंड बाहर का नहीं खाना चाहते थे, तो मैंने बोला कि ठीक है अभी मैं बना देती हूँ। क्योंकि वो ना 2 डे में अपने बाहर का ही खाते हैं, तो इसीलिए उनको खाना बाहर का बिल्कुल नहीं पसंद आता है। तो हम लोगों के ना घर का ही खाना होता है, तो हमें होता है कि कई बार बाहर का खिला दो तो खाते हैं, बट आज मैंने खाना नहीं था, इन्होंने गोलगप्पे खा लिए, पेट भर गया। नग्गे वैसे ही बाहर का कम खाता है, घर आते लग गई थी भूख, तो फटाफट तो बनती है कड़ी, तो एक साइड मैंने कड़ी बनाई, एक साइड चपाती बना रही हूँ। अच्छे से सोए हो आज? स्टिल नींद आ रही है, नींद आ रही है। मुझे क्या मालूम कितना बजे सोयो, आप सो लिए थे, मैं तो बर्तन बर्तन साफ करके बहुत लेट आई हूँ। हाँ तो 12:30 बजे के बाद गया, तो वो सोए में कितने बजे उठ गया? 12:30 बजे। ओ भाई, ओ जनाब, 12:30 में ही बैठे बजे। हाँ चल, कितना उठा मैं, कितना उठे मुझे क्या मालूम, मैं तो थोड़ी उठाया, तो उल्लू की तरह से जाग रहे थे, मैंने थोड़ी उठाया। सो लिए थे, कितने उठा हूँ? तो दोपहर को नहीं सोए, समझ में ही बात, 7 बजे उठ गया मैं। बंदा सुतदा हुण नहीं देखना आपको, खराटे ले रहे थे मैं क्या करती, मैंने बोला पासा लो, जोर से स्नोरिंग कर रहे थे, थक गया किसी चीज का, फिर तो समझ नहीं आता थोड़ा, कल की गल करते समझ भी आता, अज की गल अज थक गया बेले। ले ये खाना नगू का जी, ये लो नगू का खाना, नगू चलो आपका खाना, आपका खाना चपाती आ रही है, लो बस मेरी स्पीड, स्पीड देखी मेरी बस नखरे यार, आराम भरमाना देखिया, घंटा च अद्धे घंटे च रोटी बना गया डैडी, आधा घंटा भी नहीं मेरे को लगता उससे भी कम लगा। चलो ये लो नगू, लो 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 रोटी नहीं आप खाता, बाकी सारिया चीजें आप खा लेगा, रोटी खान लगे माँ चाहिए। पको परेशान मत करना ना तू, उनको सोने दो, उन्होंने सुबह ऑफिस जाना है। आप अपना सो, पानी पी लो, ठीक है, मम्मा आती है। आप डोगी किसका बोल रहा है जोर जोर से, हमारे फ्लैट में हमारी फ्लोर पे किसी ने डोगी ले लिया है, आपको डोगी की आवाज आ रही है, ध्यान से सुना बाहर से, डॉगी क्या होता है, डॉग 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 यस पप्पी, मुझे आ रही है किसी ने हमारे इधर कुत्ता रख लिया है, बहुत फॉर्मेलिटी सा रखने की, मैंने 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 वर्ल्ड वर्ल्ड में देखा था वो क्यूट सा डॉग डे, ठीक है चलो जाओ सोने के लिए, जाओ मम्मा आ रही है। गाइस तो काम खत्म हो गया है, तो आज आज रिलैक्स भी फील हो रहा है क्योंकि आज मैं सिर्फ सोई हूँ सोई हूँ सोई हूँ तो अब मतलब अच्छे से सोई हूँ, अभी भी नींद आ रही है पर ठीक है, आज अच्छा लग रहा है, मन बहुत तसल्ली आ रही है क्योंकि हाँ आज वो वाला टाइम था कि बेटा और हस्बैंड दोनों घर पे थे, आज हस्बैंड ने बड़ा सपोर्ट किया तो आज अच्छा फील हो रहा है, वो भी काफ़ी टाइम सोए बट मैं बहुत ज़्यादा सोई हूँ तो उससे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। तो अभी हम सारा काम ख़त्म हो गया है, सी किचन साफ कर लिया है, सब कुछ साफ कर लिया है, बस एक बार चेक कर गैस तो नहीं चल रहा, बस तो अब सोने चलते हैं, ठीक है
हाजिरी लगानी ज़रूरी थी, बट है कि मुझे था कि बहुत दिनों से एक दिन ऐसा मुझे अपने लिए चाहिए जिसमें मैं अच्छे से सो पाऊँ, क्योंकि व्लॉगिंग काम है, आपको करना ही करना है। लोगों को लगता है वेल्ले ज़्यादा काम है, जी नहीं, जो करता है उसको मालूम है अच्छे से, ठीक है। तो बस इसीलिए ना हर टाइम फ़ोन कैमरा ये नहीं चाहिए, एक थोड़ी सी रिलैक्स वाला टाइम चाहिए था, तो वो आज निकल गया, इसलिए व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, पर जैसा भी है हजूरी लगानी है, हमने अटेंडेंस लगा दी है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय सियाराम।